Hi. So after a lot of torture in the starting months of 2023, we are still getting tortured. और अगर किसी ने नोटिस किया हो तो जो मेरी वीडियो थी मैं खिलाड़ी तू थर्ड अंपायर वो ब्लॉक हो गई थी छोटे मोटे कॉपीराइट क्लेम्स यू नो मैं हंस कह रहा तू भी नल्ला बैठेगा मेरे साथ फिर अरे समझाओ इसे चौधरी साहब मैं क्या समझाऊंगा बट नेवर माइंड दैट कॉपीराइट इशू हैज बीन सॉल्वड और आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं मेरे चैनल एंड ऑल्सो लेट्स नॉट माइंड द क्रैप सॉन्ग्स कमिंग इन दिस ईयर क्योंकि आगे जाके हमें कोक स्टूडियो ही कोक स्टूडियो सुनने को मिलने वाला है बट आज हमें भविष्य में नहीं जाना है जा भी नहीं सकते वेल आज हम जाएंगे 2022 में वापस जहां पे हमने एक एल्बम मिस कर दी थी मैंने मिस कर दी थी तो आज हम उस एल्बम के पास जाएंगे क्योंकि वो एल्बम डिजर्व करती है कि हम उस एल्बम को थोड़ा सा पुचकारे यू नो इट डिजर्व्स द प्यार तो वो एल्बम है भैया मामे खान जी के द्वारा कंपोज की गई डेजर्ट रोज एल्बम विच हैज 6 एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जिनके बारे में मैं आज जबरदस्ती बात करने वाला हूँ ताकि ये 10 मिनट की वीडियो बने बट जेन्युइनली दिस एल्बम डिजर्व्स योर अटेंशन लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम इस एल्बम में एक गाना है सावन अ म्यूजिकल स्टॉर्म भाई ये गाना एक फ्यूजन सॉन्ग है वेस्टर्न और फोक म्यूजिक का फ्यूजन किया गया है इस गाने में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्पोजिशन इज सो ब्यूटीफुल एंड देर इज अ ब्लेंड विद द ब्रिलियंटली अरेंज्ड ड्रम किट एंड द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सारंगी एंड सितार जो कि बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं एंड शाउट आउट टू द अरेंजर ऑफ दिस सॉन्ग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया निहाल कंबोज जी ने इस गाने में एक कोक स्टूडियो इंडिया के जो गाने आया करते थे पहले वो वाली वाइब है थोड़ी सी क्योंकि फ्यूजन करते थे वो लोग पहले भी और इसमें भी फ्यूजन नजर आया है हमें एंड दिस सॉन्ग इज पावर्ड बाय द ब्यूटीफुल सिंगिंग ऑफ मामे खान जी जिन्होंने अपनी आवाज से इस गाने में पावर और जान भर भर के डाली है अगर आपने इस गाने की वीडियो देखी है या फिर देखोगे तो उसमें आपको नजर आएंगे काफी सारे लेजेंड्स जैसे कि तौफीक कुरैशी जी आई लव्ड एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई होप यू विल टू अगले गाने की बात करते हैं इस एल्बम में जो कि है हलारिया जन्म मुबारक और ये गाना भी ट्रेडिशनल लिरिक्स पे बेस्ड है और मामे खान जी ने थोड़े से एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं इस गाने के और इस गाने को कंपोज किया है मामे खान जी ने और पिंटू मलिक जी ने अरे हीलो रे हलारिया था ना हीलो इट्स बेसिकली हैप्पी बर्थडे टू यू बट इन राजस्थानी भाई सच में मैंने नहीं सोचा था कि कोई इतना म्यूजिकली डिटेल्ड बर्थडे सॉन्ग बनाएगा आगे जाके इट हैज अ ब्यूटीफुल चेयरफुल वाइब एक सेलिब्रेटिव सॉन्ग को जैसा होना चाहिए वैसा सुनाई देता है ये गाना तो भाई बहुत हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू अब मेरे बर्थडे में ऑफिशियली यही गाना बजेगा कबीरा नाम का एक गाना है इस एल्बम में जो कि कबीर दास के लिरिक्स पे बेस्ड है एक ट्रेडिशनल कविता की ऐसी प्रेजेंटेशन भले ही मैंने सोची हो या ना सोची हो बट मैन दिस सॉन्ग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली मेड एंड समथिंग इज वेरी यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग बीट का चयन किया गया है इस गाने में Which might seem off to some people, क्योंकि गाने का जो टॉपिक है गाने का जो भाव है वो स्पिरिचुअल भाव है और वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बीट से शायद कनेक्ट ना हो पाए बट मेरे लिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि दिस बीट इज बेसिकली द म्यूजिक ऑफ दिस सॉन्ग इज बेसिकली गिविंग अ हैप्पी वाइब साहिब कैसो है फकीरा Happiness is basically the kendra of spirituality. So somehow for me it manages to connect to the spiritual mind. And after all it's a fusion song man. Fusion album hi hai ye. To fusion ke saath to jana hi tha. But fusion jaise kiya gaya hai wo behtareen tarike se kiya gaya hai. Wo sarahaniya hai. Ek aur gana is album mein aata hai Hawa se. Aur ye Kamal Kishore Rajput ji ne likha hai gana. Hawa se baatein kar lo ruk apna tu bata. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रेज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सॉन्ग जो कि मामे खान जी ने बेहतरीन तरीके से की है ये इस एल्बम का सबसे अलग गाना है एक गजल तरीके का गाना बनाया गया है ये और प्रोडक्शन इस गाने का इंस्ट्रूमेंटेशन इतना सुंदर दिया गया है पिंटू मलिक जी ने इस गाने का म्यूजिक अरेंज किया है बेहतरीन काम किया है उन्होंने So overall it's a beautiful production with beautiful lyrics that depict love basically. So it's a sad romantic song. और एक और बहुत बेहतरीन गाना इस एल्बम में है सजदे जो कि कमल किशोर राजपूत जी ने ही लिखा है सजदों से सजी रात रूहानी मुलाकात और इस गाने की कॉम्पोजिशन भी बहुत सुंदर बनाई है यार ओरिजिनली ये कॉम्पोजिशन उस्ताद राणा खान जी की है और इसको बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ प्रोड्यूस किया गया है और इस गाने में मामे खान जी की आवाज जो है वो इस गाने को फोक टच दे देती है बहुत अच्छे तरीके से विच मेक्स दिस सॉन्ग ब्यूटीफुल फ्यूजन अगेन और कहीं ना कहीं इस गाने की बीट आप लोगों ने सुनी होगी And the last song of this album is Rajasthani Express that is based on traditional lyrics and Mame Khan ji ne additional lyrics likhe hain thode se is gaane ke And this song is basically the Phir Milenge Chalte Chalte song of Rajasthan. Not because of the composition, but क्योंकि इस गाने में बहुत सारे folk songs का mashup किया है ये गाना शुरू होता है सारंगी पार्ट से जो ऑलमोस्ट आपने चौधरी गाने में सुना था और उसका थोड़ा सा वेरिएशन सुनाई दिया है यहाँ पे
फिर उसके बाद मामे खान जी की आवाज में शुरू होता है केसरिया बालम, जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके गाया है उन्होंने, और वो जो छोटी सी कॉम्पोजिशन है वो बहुत सुंदर बनाई है उन्होंने। ये गाना पूरी तरह से राजस्थानी कल्चर को एम्ब्रेस करता है, पूरी तरह से शोकेस करता है राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी म्यूजिक को। इट हैज अ मिक्स ऑफ वेरियस फोक सॉन्ग्स लाइक केसरिया बालम, घूमर, पल्लो लटके एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन इट हैज अ मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट इज डन वेरी ब्यूटीफुली। सो दिस इज द एल्बम डेजर्ट रोज, जिसके गाने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए हैं मामे खान जी ने, और एंड आई रियली लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस एल्बम, स्पेशली द फ्यूजन पार्ट ऑफ इट, कि अपने कल्चर को इन्होंने शोकेस किया है बट एक मॉडर्न टच के साथ, एक वेस्टर्न टच के साथ, जो कि यूथ के लिए काफी रिलेटेबल है। और मुझे तो भाई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फोक म्यूजिक का फ्यूजन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वैसे भी, तो ये सुन के मुझे वैसे ही मजा आ गया, और मेरे टाइप का म्यूजिक है ये, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लेना। रीमेक वाले भी इतनी मेहनत कर लें अगर, तो रीमेक भी शायद इतने बुरे साउंड ना करें। जी हाँ, एक मैंडेटरी ताना रीमेक ट्रेंड के लिए, जो कि मैं हर वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ। सो या दिस इज इट फॉर द वीडियो, और बस। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया कोरोसु के रोबो को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाही। किधर है चू टुरुरु।